अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तहसीन अकबर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान करंट अफेयर्स। दोस्तों, कल पाकिस्तान ने एक मोस्ट एडवांस मिलिट्री आर्मेंट ड्रोन जो है वो लॉन्च किया है। ये ड्रोन सेलेक्स गैलो टेक्नोलॉजी के साथ लेज है। इसके साथ वो जो टारगेट्स को जो है लॉक करता है और उन पे जो है उनकी लोकेशंस को जो है वो ट्रैक करता है। ये ड्रोन ब्राक ड्रोन की ही अगली नस्ल है, उसका एक इम्प्रूव वेरिएंट है। 3 साल पहले जो है ब्राक ड्रोन का कामयाब तजर्बा किया गया था और TTP और दूसरी तहरीकों के ख़िलाफ़ जो है इस ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया था। ये एक मिलिट्री ड्रोन है जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो मिज़ाइल्स हैं वो फायर किए जा सकते हैं, जिनमें जो है बर्क मिज़ाइल जो है वो काबिले ज़िक्र है। दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है सेलेक्स गैलो टेक्नोलॉजी, असल में ये एक यूरोपियन कंपनी है जो पूरे यूरोप को जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम फराहम करती है और दुनिया की बहुत सी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी की या डिफेंस एजेंसियां हैं और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो भी इस कंपनी से जो है ये सर्विस लेती हैं। दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान ने, आप लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों चाइना से मुआहदा किया था सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो क्योंकि पाकिस्तान जो है अमेरिकन GPS को छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिकन GPS जो है उसकी जो एक एक्यूरेसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जबकि चाइना जो है अपनी 40 से ज़ायद सैटेलाइट जो हैं वो खुला में छोड़ने का इरादा रखता है। और इन्हों चाइना ने अपने उस कम्युनिकेशन जो का जो सिस्टम है उसके साथ जो है इन्होंने सेलेक्स जो कंपनी है ये यूरोपीय की, इसके साथ भी जो है इन्होंने मुआहदा किया हुआ है। और ये जो कंपनी है ये इसकी जो तकरीबन अब तक 28 सैटेलाइट जो हैं वो ये अब खला में छोड़ चुके हैं और इनकी जो एक्यूरेसी है वो 0.1 mm है, जबकि जो GPS है उसकी जो एक्यूरेसी है वो 500 मिलीमीटर के इर्द गिर्द है। तो इस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने की वजह से पाकिस्तान जो है वो इस टेक्नोलॉजी पर इंसार अब करने जा रहा है और पाकिस्तान भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। और ये एक बहुत एडवांस और कमाल की टेक्नोलॉजी है और इससे ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान का जो ड्रोन है इसका एक तो डिज़ाइन अपग्रेड किया गया है और दूसरा इसकी जो रेंज है वो ये 15,000 फुट की बुलंदी पर जो है परवाज़ कर सकेगा, जो कि पाकिस्तान का पहले जो कोई भी ड्रोन था वो इतनी बुलंदी पर परवाज़ नहीं कर सकता था। तो अब ये किसी भी अमेरिकन जदीद ड्रोन का मुकाबला करने के काबिल है और इसके साथ साथ इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ गई है, इसकी जो टारगेट को एंगेज करने की रेंज है वो भी बढ़ गई है और ये मुसलसल 10 घंटे तक जो है वो परवाज़ कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 8 कंपनियां जो हैं वो ड्रोन्स बनाती हैं और ये तमाम कंपनीज जो हैं वो मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग डिवीज़न के अंडर जो है वो काम करती हैं। ये तमाम प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के लिए ड्रोन बना रही हैं। तो अब ये जो ड्रोन पाकिस्तान के में बना है ये एक बहुत ही एडवांस ड्रोन है और इससे पाकिस्तान की जो तमाम ज़रूरियात हैं वो भी पूरी होंगी और पाकिस्तान जो है वो चीन के बाद जो है सबसे बड़ा मुल्क हो जाएगा इस तरह के एडवांस जो है वो ड्रोन बनाने वाला, क्योंकि इसकी जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है इलेक्ट्रोसेलेक्स गैलोन टेक्नोलॉजी, तो ये जो गैलो टेक्नोलॉजी है ये अमेरिका भी यूज़ नहीं कर रहा, अमेरिका अपना GPS सिस्टम यूज़ कर रहा है और उसकी वजह से उसके जो एक्यूरेसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। और जबकि पाकिस्तान के जो अब ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो इससे हमारी एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और रेंज जो है वो भी बढ़ जाएगी, पूरी दुनिया में कहीं भी जो है अटैक करने की सलाहियत होगी, हर जगह को ट्रैक करने की सलाहियत होगी। इससे ये फ़ायदा भी होगा कि ये सिस्टम में आने से हमारा जो मिज़ाइल सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा। तो आप लोग जो हैं मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी के लिए दुआ करें, कश्मीरियों के लिए दुआ करें और पाकिस्तान ज़िंदाबाद।